हेलो एंड नमस्ते। पॉलिसी एक्स वेलकम्स यू टू इंश्योरेंस की बात पॉलिसी एक्स के साथ। आज हम बात करेंगे बजाज एलियांज लाइफ ई टच टर्म प्लान के बारे में। ये एक इंश्योरेंस प्लान है जो आपको और आपके फैमिली को आने वाले अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंसेस से बचाता है। इस पॉलिसी की मदद से आप लाइफ के वेरियस अनसर्टेनिटीज सिचुएशंस का सामना कर सकते हैं। बजाज ई टच प्लान आपको तीन अलग अलग वेरियंट्स में मिलता है, लाइफ शील्ड प्लस, लाइफ शील्ड आरओपी। बजाज एलियांज ई टर्म प्लान आपको मल्टीपल सम इंश्योर्ड ऑप्शंस के साथ मिलता है और इसमें डेथ और टर्मिनल इलनेस के अगेंस्ट कवरेज, वेवर ऑफ प्रीमियम्स, मैच्योरिटी बेनिफिट एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स जैसे बेनिफिट भी शामिल हैं। बजाज एलियांज ई टच के साथ आपको अर्ली एग्जिट का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ लाइफ शील्ड और लाइफ शील्ड प्लस वेरियंट्स के साथ ही एप्लीकेबल है। इसके मिनिमम एंट्री एज होती है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज होती है 65 ईयर्स। फॉर लाइफ शील्ड आरओपी पे टिल 60 ऑप्शन में इसकी मिनिमम एंट्री एज होती है 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज होती है 55 ईयर्स। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। लाइफ शील्ड आरओपी में पॉलिसी टर्म होता है इसका 10 to 40 ईयर्स तक का, एंड लाइफ शील्ड प्लस में 10 ईयर्स to 85 ईयर्स माइनस एज एट एंट्री, 99 माइनस एज एट एंट्री फॉर लाइफ शील्ड प्लस फॉर ADB, 85 माइनस एज एट एंट्री। अब बात करते हैं इसके प्रीमियम पेमेंट टर्म की, जो कि है 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, या फिर आप पे टिल 60 का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड मिनिमम 50 लाख्स, मैक्सिमम नो लिमिट, सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग। पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट फ्रिक्वेंसी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। अब हम बात करेंगे बजाज एलियांज के ई टच टर्म प्लान के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में। फर्स्ट, लाइफ शील्ड वेरिएंट। अब लाइफ शील्ड वेरिएंट में आपको कुछ ऑसम बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी के दौरान इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल वारिस या नॉमिनी को प्रॉमिस किया गया अमाउंट मिलता है, जिसे सम इंश्योर्ड कहते हैं, और जब वो अमाउंट मिल जाता है तो पॉलिसी को वहीं पर क्लोज कर दी जाती है। टर्मिनल इलनेस कवर। पॉलिसी के दौरान अगर इंश्योर्ड पर्सन को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे कि कैंसर इटीसी, तो उनको वो सम इंश्योर्ड मिलता है जो उन्होंने प्लान स्टार्ट करते वक्त चुना था। अगर सम इंश्योर्ड 2 CR या उससे कम का होता है तो उनको ये अमाउंट साथ में मिल जाता है, लेकिन अगर उन्होंने 2 CR से ज़्यादा का सम इंश्योर्ड चुना है तो उनको डायग्नोसिस वाले टाइम पर 2 CR मिलते हैं, और बाकी जब सम इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को मिलता है। वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट। ये तो सच में ऑसम है। अगर इंश्योर्ड व्यक्ति को किसी एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और उनका सम इंश्योर्ड 2 CR या ज़्यादा का होता है, तो बजाज एलियांज ई टच टर्म प्लान कहता है अब आपको और प्रीमियम्स भरना नहीं पड़ेगा, उनका प्रीमियम माफ कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे लाइफ शील्ड प्लस वेरिएंट्स के बेनिफिट्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। डेथ बेनिफिट। लाइफ शील्ड प्लस वेरिएंट आपको डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे कि मैंने बताया था, लाइफ शील्ड में अगर पॉलिसी के दौरान किसी वजह से इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम इंश्योर्ड मिल जाता है और फिर पॉलिसी क्लोज हो जाती है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। ये ऑप्शन कहता है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ किसी एक्सीडेंट के कारण होती है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर पीरियड में, तो डेथ बेनिफिट के अलावा एक और बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिलता है, जो कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट सम इंश्योर्ड के बराबर होती है। टर्मिनल इलनेस कवर। ये वेरिएंट भी आपको ये ऑप्शन देता है। पॉलिसी के दौरान अगर इंश्योर्ड पर्सन को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे कि कैंसर ATC, तो उनको वो सम इंश्योर्ड मिलता है जो उन्होंने प्लान स्टार्ट करते वक्त चुना था। अगर सम इंश्योर्ड 2 CR या उससे कम का होता है तो उनको एक साथ मिल जाता है, लेकिन अगर उन्होंने 2 CR या उससे ज़्यादा का सम इंश्योर्ड चुना है तो उनको डायग्नोसिस वाले टाइम पर 2 CR मिलता है, और बाकी जब सम इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो ये अमाउंट उनके नॉमिनी को मिल जाता है। वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट। लाइफ शील्ड प्लस भी आपको ये ऑप्शन देता है, अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की किसी एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और उनका सम इंश्योर्ड 2 CR या ज़्यादा का होता है, तो बजाज एलियांज ई टर्म प्लान कहता है कि अब आपको और प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा, उनका प्रीमियम माफ कर दिया जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे लाइफ शील्ड आरओपी के बेनिफिट्स के बारे में। डेथ बेनिफिट। इस वेरिएंट में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, अगर पॉलिसी के दौरान किसी वजह से इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है
तो सम एश्योर्ड अमाउंट उसके नॉमिनी को मिल जाता है और पॉलिसी को क्लोज कर दी जाती है। मैच्योरिटी बेनिफिट, लाइफ शील्ड आरओपी वेरिएंट में अगर इंश्योर्ड पर्सन पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट तक जिंदा रहते हैं और उन्होंने उस समय तक कोई भी क्लेम नहीं किया होता है तो उन्हें एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है। लाइफ अश्योर्ड को एक बार में उनके जमा किए गए टोटल प्रीमियम के बराबर राशि मिलती है, यानी कि ये लाइफ अश्योर्ड के डेथ होने पर ही नहीं बल्कि जीने पर भी फायदा देती है। चलिए अब हम आते हैं बजाज एलियांज ईटच टर्म प्लान के कुछ खास फीचर्स। इन फीचर्स से आपको और भी फायदे मिलते हैं, तो सुनिए ध्यान से। अर्ली एग्जिट वैल्यू ऑप्शन, ये ऑप्शन सिर्फ लाइफ शील्ड और लाइफ शील्ड प्लस वेरियंस के साथ एप्लीकेबल है। अर्ली एग्जिट वैल्यू आपको ऑप्शन देता है कि आप मैच्योरिटी के पहले ये पॉलिसी एग्जिट कर सकते हैं और आप अपना प्रीमियम अमाउंट वापस ले सकते हैं, लेकिन इस बेनिफिट को यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस है जो इंश्योर्ड पर्सन को पूरी करनी होती है। इंश्योर्ड पर्सन की एज 50 साल या उससे कम होनी चाहिए, पॉलिसी की ड्यूरेशन 35 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, मैच्योरिटी की एज 68 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। लाइफ स्टेज अपग्रेड, बजाज एलियांज ईटच टर्म प्लान लाइफ इश्योर्ड को उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स में सम इश्योर्ड को अपग्रेड करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे मैरिज, बर्थ और अडॉप्शन ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, होम लोन एंड एजुकेशन लोन फॉर चिल्ड्रन। ये अडॉप्शन सिर्फ लाइफ शील्ड और लाइफ शील्ड प्लस वेरिएंट्स के साथ एप्लीकेबल है। प्रीमियम हॉलिडे, इस एक यूनिक एडवांटेज का बेनिफिट बजाज एलियांज ईटच टर्म प्लान के तीनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जिसमें आप पॉलिसी के दौरान प्रीमियम्स भरना छोड़ सकते हैं 1 से 3 साल तक। अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग प्रीमियम हॉलिडे ड्यूरेशन में पॉलिसी पूरी तरह से एप्लीकेबल रहती है और सारे बेनिफिट भी एप्लीकेबल रहते हैं। ये ऑप्शन तब तक काम आता है जब कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, जैसे कि लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बजट कंसंट्रेंट्स और मेडिकल इमरजेंसीज। पहली प्रीमियम हॉलिडे ऑप्शन 5 पॉलिसी ईयर्स की पूरी होने के बाद एप्लीकेबल होती है। हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, अगर सारी प्रीमियम्स टाइम पर पे की गई हैं और पॉलिसी वैलिड है तो बजाज एलियांज ईटच अपने कस्टमर्स को हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि मेडिकल सेकेंड ओपिनियन, मेडिकल केस मैनेजमेंट, मेडिकल कंसल्टेशन ETC फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडर रजिस्टर्ड विद द इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, इसमें पॉलिसी की हर एनिवर्सरी पर इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स को प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी बदलने का मौका मिलता है, मतलब आप अपनी प्रीमियम पेमेंट टर्म को किसी भी पॉलिसी एनिवर्सरी पर बदल सकते हैं पर जब तक पॉलिसी एक्टिवेट है। प्रीमियम रिबेट्स डिस्काउंट्स, अगर आप पहले से ही बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के कस्टमर हैं तो आपको एक स्पेशल सपोर्ट और ऑफर प्रोवाइड किया जाता है। आपको प्रीमियम पेमेंट की ड्यूरेशन के दौरान 1% की लॉयल्टी रिबेट मिलती है अगर आपके पास पहले से ही मैच्योर्ड पॉलिसी है या आपकी पॉलिसी कम से कम 3 महीनों तक इफेक्टिव है जब आप बजाज एलियांज ईटच टर्म प्लान खरीदते हैं। ये थे बजाज एलियांज ईटच टर्म प्लान के फीचर्स जो आपको एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.policyx.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर से बात कर सकते हैं जो कि टोटली फ्री है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।